तीन पर्सनैलिटी तो माया की होती और एक भगवान की होती। माया में तीन पार्ट है, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक व्यक्ति से प्यार करेगा कोई, मरने के बाद सात्विक फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। राजस व्यक्ति से प्यार करेगा, मृत्युलोक मिलेगा। तामस व्यक्ति से प्यार करेगा तो नरक मिलेगा। और तीन गुणों से परे जो है, जो माया से पार हो चुका, ऐसे महापुरुष या भगवान से प्यार करेगा तो मायातीत हो जाएगा। प्यार की इंद्रियां वही हैं, प्यार का तरीका वही है, लेकिन जिससे प्यार करता है जीव उसी का फल मिलता है। तो हमको क्या चाहिए ये गंभीरता से सोचो। बचपना छोड़ करके, अब बचपना को बिल्कुल इस्तीफा दे दो, गंभीर बन जाओ और सोचो कि हमारा एम क्या है, हम मनुष्य क्यों बने हैं। इसलिए तो नहीं बने हैं कि खाना पीना सोना ऐसो आराम करना है, तो कुत्ते बिल्ली गधे भी करते हैं। मानव देह का जो लक्ष्य है वो है परमानंद प्राप्ति, दिव्यानंद प्राप्ति, ईश्वरीय सुख पाना। इसलिए हमारे मन का प्यार ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से अंतःकरण शुद्ध हो। जैसे कपड़ा गंदा है तो गंदे कपड़े को धोने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, निर्मल पानी चाहिए, उसमें मैल न हो, गंदगी न हो पानी में। और सात्विक, राजस, तामस तीन में गंदगी है, वो चाहे हमारी माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पति हो, चाहे बीवी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, हम जिससे प्यार करेंगे उसी का फल मिलेगा। मान लो हम बाप से प्यार करते हैं और मरने के बाद बाप ने पाप कर्म करने के कारण गधे की योनि पाई, तो हमको गधे का बच्चा बनना पड़ेगा। ये ईश्वरीय नियम है। भूतान जानति भूतेज्या, जिस प्रकार के जीव से हम प्यार करेंगे उस प्रकार का परिणाम मिलेगा। जैसे संसार में देखो किसी के चार लड़कियां हैं, चारों का ब्याह कर दिया उसने, चारों ग्रेजुएट थे, लेकिन उसमें एक आईएएस में आ गया, दूसरा क्लर्क हो गया, तीसरा और थर्ड क्लास की नौकरी पाया, चौथा शराबी हो गया। तो लड़कियां तो चारों को दी गई एक सी, एक बाप की बेटी थी, लेकिन एक तो मैम साहब कहलाने लगी, कलेक्टर की बीवी हो गई, एक बबुआइन कहलाती है, वो क्लर्क है ऑफिस में, एक शराबी की बीवी हो गई, भिखारिन कहलाती है, शराबी में सब बेच बात करके अपना आवारा हो गया। तो जैसे चार लड़कियां जिससे ब्याह होता है उसी का फल मिलता है संसारी, ऐसे ही मन है। इस मन को हम जहां पर अटैच करेंगे उसी का फल हमको मिल जाएगा। किसी भाव से करें, यहां तक कि गोपियों ने काम भाव से किया अटैचमेंट श्री कृष्ण से, वो भी गोलोक चली गई। जैसे लोहा है और पारस है, इसको प्यार से छुआ दो तब भी सोना बनेगा, लड़ा दो गुस्से में तब भी सोना बनेगा, कोई जान करके अमृत पिए तो भी अमर होगा, अनजाने में पी ले तो भी अमर होगा। दवाई खाते हैं लोग बीमारी की, अब 99% को क्या पता इस दवा में क्या क्या मिला है, डॉक्टर ने लिख दिया तो जाकर के अपना दवा खरीद करके अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, फायदा हो रहा है। तो जिस जो दवा बनाने वाला है मलेरिया की, उसने भी मलेरिया में वो दवा पी और एक अंगूठा छाप गांव के गंवार ने भी पी, फायदा दोनों को बराबर हुआ, क्योंकि दवा तो सही है। उसी प्रकार भगवान से प्यार करने में
कुछ बना करके नहीं जाना है, जैसे है वैसे ही जाना है। और प्यार करने का तरीका भी कोई नया नहीं, शास्त्र वेद में लिखा वही प्यार का तरीका है जो संसार में होता है। लेकिन जैसे चार लड़कियों को चार प्रकार का फल मिला, ऐसे ही मन को तामस से प्यार करे, तामस फल मिले, राजस से करे राजस मिले, सात्विक से करे सात्विक मिले, और महापुरुष और भगवान से करे तो दिव्य फल मिले। इतनी सी बात केवल समझना है गहराई से और अंतःकरण में धारण करना है और उसी के पथ पर चलना। अब किसी का लक हो और महापुरुष मिल जाए तो बड़ा आसान है, महापुरुष से प्यार कर लेना। नहीं मिले तो भगवान से प्यार करना शुरू करे, उनके आगे रोए कि हमें किसी महापुरुष से मिला दो, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भगवान से नहीं हो सकता किसी जीव का, ये लॉ नहीं है। तेरा महापुरुष ही भगवत प्राप्ति होती है। मैंने बताया था ना, या तो भगवान और महापुरुष दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा बराबर मान करके, या तो केवल महापुरुष से प्यार कर ले तो भी वही फल मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं मिलता है या हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता किसी सच्चे महापुरुष के प्रति भी, तो फिर भगवान से रोकर प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा विश्वास दृढ़ कीजिए, ऐसी मानव देह में हमको लक्ष्य प्राप्त करना है, अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी है।